आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन ए फिगर, जो हमको यहाँ पे डायग्राम में गिवन है। डैट मीन्स यहाँ पे ए से बी के बीच में 2 ओम का, बी से सी के बीच में 2 ओम का, एंड सी से डी के बीच में 2 ओम का, एंड डी से ए के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस हमको गिवन है। एंड बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 है, एंड ए एंड सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो दोनों का रेशियो कितना होगा, डैट मीन्स R1/R2 कितना होगा। तो अगर हम इन दिस केस हम ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो कितना होगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि ए पॉइंट कितना है, बी है, एंड ए पॉइंट ए है। तो ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो कितना होगा। तो अगर हम ए एंड बी को अगर लेते हैं तो यहाँ पे जो 2 ओम, फिर यहाँ का 2 ओम एंड यहाँ का 2 ओम, तीनों क्या है, सीरीज में है, एंड उसके साथ 2 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो डैट मीन्स 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 ओम। अच्छा से मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो 6 ओम क्या है, इसके पैरेलल में है कितना, 6 ओम। तो अगर आर इक्विवेलेंट देखें, आर ऑफ ए बी लिख देता हूँ यहाँ से, आर इक्विवेलेंट उसी को मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 6 डिवाइडेड बाई कितना, 6 + 2 कितना हुआ, 2 × 6 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से कैंसिल किए तो कितना आया, 4। डैट मीन्स कितना हुआ, 3/2। तो आर ए बी के क्रॉस जो होगा वो कितना होगा, 3/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। एंड इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं, ए एंड सी के बीच में बोला है, तो मान लेते हैं कि ए जो है, ए है एंड ए है सी है। तो ए एंड सी के बीच में देख रहे हैं कि 2 ओम एंड 2 ओम दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो डैट मीन्स कितना होगा, 4 ओम। तो यहाँ ए एंड बी के बीच में क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे कितना है, 4 ओम हुआ। एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि इस साइड से अगर देखें तो ए डी सी में, तो यहाँ भी 2 ओम क्या है, दोनों सीरीज में है, एंड यहाँ पे भी 2 ओम कितना है, सीरीज में है। डैट मीन्स और पहले वाले 4 ओम के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो अगर हम यहाँ से आर ए सी देखें कितना हो जाएगा, 4 × 4 डिवाइडेड बाई कितना, 4 + 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 ओम। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हमको क्या बोला है कि R1 और R2 का जो रेशियो होगा कितना होगा। तो जो आर ए बी के क्रॉस था उसको यहाँ पे क्या गिवन दिया था, R1 बोला था, एंड इसको बोला था R2 बोला था। तो हमको यहाँ से R1/R2 अगर देखें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से R1/R2 अगर देखें तो कितना हो जाएगा, R1 था 3/2 एंड R2 कितना था यहाँ पे, 2 ओम। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो 3/4। डैट मीन्स अगर R1/R2 का रेशियो देखें, R1 × R2 का रेशियो जो देखें वो कितना हो जाएगा, 3:4। ये हमारा आंसर हुआ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो 3:4 है, डैट मीन्स बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।